नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खबर दिनभर, मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। सबसे पहले बात राजनांदगांव से बड़ी खबर की। विधायक छन्नी साहू पर चाकू से हमला हुआ है, विधायक के हाथ में चोट लगी है। कार्यक्रम के दौरान यह घटना हुई, आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है। कुज्जी विधानसभा क्षेत्र की विधायक है छन्नी साहू, डोंगर गांव थाने के चिल्हाटी जोंधरा गांव का यह मामला आपको बता रहे हैं। कार्यक्रम के दौरान यह घटना घटित हुई है, आरोपी को फिलहाल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और पूछताछ जारी है। डोंगर गांव थाना के चिल्हाटी जोंधरा गांव का यह मामला इस वक्त आपको बता रहे हैं, जहां पर विधायक छन्नी साहू पर चाकू से हमला हुआ है। मामूली चोट भी आई है, विधायक के हाथ में ये चोट लगी है। फिलहाल जो आरोपी है उसकी गिरफ्तारी हो चुकी है और आगे की जांच पड़ताल में पुलिस जुटी हुई है। जशपुर में सिंचाई विभाग के इंजीनियर के ट्रांसफर को लेकर संसदीय सचिव यूडी मिंच की तरफ से लिखे गए पत्र पर बवाल बढ़ चुका है। पत्र में सर्वेश्वरी आश्रम के जिक्र को लेकर राजनीति भी शुरू हो चुकी है, तो वहीं आश्रम की तरफ से भी नाराजगी जताई गई है। ये रिपोर्ट देखिए। ये वो पत्र है जिसने चुनावी साल में छत्तीसगढ़ की राजनीतिक सरगर्मी बढ़ा दी है। दरअसल ये पत्र संसदीय सचिव और जशपुर जिले के कुनकुरी से विधायक यूडी मिंच ने लिखा है। उन्होंने ये पत्र कृषि मंत्री रविंद्र चौबे को लिखा था, जिसमें सिंचाई विभाग के एक इंजीनियर के ट्रांसफर की सिफारिश की गई है। मिंच ने पत्र में लिखा है कि सर्वेश्वरी आश्रम के दबाव में इंजीनियर को जशपुर में तैनात किया गया था और आश्रम की छत्र छाया की वजह से इंजीनियर मनमानी करता है। मिंज के इस पत्र पर हिंदू संगठन नाराजगी जता रहे हैं। यहाँ का तथाकथित एमएलए जिसका यूडी मिंज कहते हैं, है उसको धिक्कार करता हूँ मैं तो, उनको शर्म आना चाहिए। हिंदुत्व की बात करके राजनीति करके और लोगों को बेवकूफ बनाना और दूसरे तरफ लाखों करोड़ों हिंदुओं को सोगड़ा के नाम पर चोट पहुंचाने का काम करना, ये बर्दाश्त नहीं होगा। यूडी मिंच के पत्र को लेकर सिर्फ आश्रम और हिंदू संगठन नाराज नहीं है, बीजेपी ने भी इसको लेकर नाराजगी जताई है और इस मुद्दे पर जशपुर में धरना प्रदर्शन और विरोध का दौर शुरू हो चुका है। इसी कड़ी में जनजातीय सुरक्षा मंच और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया और यूडी मिंच का पुतला फूंका। चुनावी साल में बीजेपी इस मुद्दे को भुनाने की पुरजोर तैयारी में जुटी हुई है। आखिरकार विधायक ने अपना रंग दिखा ही दिया। जिस तरह से एक जल संसाधन विभाग के जो जिला के अधिकारी को ट्रांसफर करने का बात उस चिट्ठी में लिखा गया है, आप देख सकते हैं कि किस तरह से हिंदुओं की आस्था सोगड़ा आश्रम जशपुर वासियों की ही नहीं पूरे देश की आस्था है। लाखों करोड़ों हिंदुओं की आस्था का केंद्र है। उस संस्था को बदनाम करने के लिए विधायक जी ने चिट्ठी लिखते हैं एक छोटा सा अधिकारी के लिए और चिन्हांकित करके बोलते हैं कि ये सोगड़ा आश्रम से संबंधित है, आना जाना करता है, काफी अच्छा ज्यादा लगाव है, ये दर्शा करके चिट्ठी लिखने का अगर काम करते हैं तो आज विधायक जी अपना विचार को व्यक्त कर दिए, अपना असली रूप को दिखा लिए। एक तरफ से हिंदुओं का चोला ओढ़कर दिखावा करने का कोशिश करते हैं, आज उनका मन की बात जुबान से निकल आया है। पूर्व बीजेपी अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने ट्वीट कर इसे हिंदुत्व और सनातन संस्कृति का अपमान बताया है।
साई ने लिखा है कि सर्वेश्वरी समूह आश्रम से देश भर के लाखों हिंदुओं की आस्था जुड़ी है। कुनकुरी विधायक यूडी मिंज ने हमारी आस्था के केंद्र सर्वेश्वरी समूह आश्रम पर झूठा आरोप लगाकर लाखों हिंदुओं की आस्था पर गहरा प्रहार किया है। खैर, चुनावी सनातनी क्या जाने हिंदुत्व और सनातन कि जितना तिलक चुनरी और कलावा का छलावा कर ले, आने वाले विधानसभा चुनाव में कुनकुरी की जनता ऐसे नकली सनातनी को मुंहतोड़ जवाब देकर क्षेत्र का शुद्धिकरण अवश्य करेगी। कुल मिलाकर चुनावी साल में सर्वेश्वरी आश्रम विवाद को बीजेपी भुनाने की पुरजोर तैयारी में जुटी है, जिससे निपटना सोगड़ा आश्रम में आस्था रखने वाले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और उपमुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव के लिए बड़ी चुनौती होगी। दीपक सिंह, न्यूज 18, जशपुर, छत्तीसगढ़। दुर्ग पुलिस ने फरार वारंटियों के खिलाफ संपूर्ण शहर में अभियान चलाते हुए लंबे समय से फरार करीब 200 फरार वारंटियों को पकड़ने में सफलता हासिल की है। पुलिस ने सभी को पकड़ा और उन्हें न्यायालय के सामने पेश किया है, जिसके बाद उन्हें जेल भेज दिया गया। गौरतलब है कि दुर्ग पुलिस लगातार वारंटियों के खिलाफ अभियान चला रही है, उसी के तहत फरार चल रहे करीब 200 वारंटियों को पकड़ा गया। इन सभी की गिरफ्तारी जिले के अलग अलग थाना क्षेत्रों से की गई। जिले में लगातार वारंटियों के धरपकड़ का अभियान चल रहा है। पहले भी दो बार हम लोगों ने 250 से ज़्यादा वारंटीज पकड़े थे अलग अलग अभियानों में। आज भी हम लोगों ने एक फिर से अभियान चलाया है, क्योंकि चुनाव नज़दीक है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट भी लगने वाला है, तो एक बेसिक पुलिसिंग को मजबूत करने के लिए और साथ साथ वारंटी तामिले का प्रतिशत बढ़ाने के लिए भी ये कार्रवाई की गई है। बिलासपुर से बड़ी खबर है, सीएम भूपेश बघेल के पैर के पास पहुंचा सांप। मीडिया से बातचीत के वक्त ये सांप पहुंचा, सीएम ने सुरक्षा कर्मियों को सांप को मारने से रोका। सीएम भूपेश बघेल ने पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की जयंती पर बलौदाबाजार जिले के हितग्राहियों को सौगात दी। मुख्यमंत्री ने जिले के किसानों, कृषि मजदूरों, पशुपालकों और महिला समूहों को गोधन न्याय योजना की राशि ट्रांसफर की। 1,91,571 हितग्राहियों के खाते में 71,09,40,000 रूपये की राशि ट्रांसफर की। राजीव गांधी किसान न्याय योजना, राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना, गोधन न्याय योजना की राशि का वर्चुअली ट्रांसफर किया गया। आज हमारे पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी की जयंती और सद्भावना दिवस के अवसर में हमारे छत्तीसगढ़ के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी ने आज राजीव गांधी किसान न्याय योजना का दूसरा किस्त भी डाला गया है, और साथ में हमारे छत्तीसगढ़ के 13 उपखंड का लोकार्पण भी किया गया है, जिसमें हमारे कसडोल विधानसभा के हमारे पलारी तहसील में हमारे अनुभागीय अधिकारी कार्यालय का आज लोकार्पण हुआ। पिछले महीने आप लोग जान रहे हो कि जनवरी में जब हमारे छत्तीसगढ़ के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी भेंट मुलाकात के दौरान ग्राम पंचायत उड़ान में आए थे। रायपुर से बड़ी खबर है, छत्तीसगढ़ में कल से इमरजेंसी सेवा प्रभावित हो सकती है। अस्पतालों में इमरजेंसी सेवा प्रभावित हो सकती है। ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक, नर्सिंग स्टाफ की हड़ताल है। अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहेंगे जूनियर डॉक्टर। बॉन्ड अवधि कम करने और वेतन वृद्धि की मांग करेंगे। और दुर्ग में नहीं थम रहा है डेंगू का प्रकोप। डेंगू के फिर से 10 नए मरीज मिले हैं। 7 मरीज सिर्फ भिलाई टाउनशिप के बताए जा रहे हैं। 2 मरीजों की ट्रैवल हिस्ट्री मिली है। डेंगू प्रभावितों की संख्या बढ़कर अब 88 हो चुकी है।
चुनावी साल में बीजेपी लगातार कांग्रेस पर हमला बोल रही है। बीजेपी में महात्मा गांधी के नाम पर शुरू किए गए रीपा योजना में चखना बेचने का आरोप लगाया है। स्वसहायता समूह की महिलाओं से चखना और पानी के पाउच बनवाने का आरोप लगाया। रीपा योजना के पाटन क्षेत्र में गलत इस्तेमाल का भी आरोप लगाया। पाटन उत्तर मंडल अध्यक्ष लोकमणि चंद्राकर और दुर्ग जिला पंचायत सदस्य हर्षा चंद्राकर ने कई सारे आरोप लगाए। हमारे पाटन क्षेत्र के ग्राम कुंडा जहाँ पे रीपा योजना लागू है, चल रहा है, वहाँ पे समूह की बहनों द्वारा ये एक गिलास है और इसके अंदर में ये मिक्सर और ये पानी पाउच, ये तीनों को डाल के इन लोग वहाँ 10 रुपए में बेच रहे हैं। हालांकि इसमें एमआरपी नहीं लिखा है, पर मैं जहाँ से इसको खरीदा हूँ उसका कहना है वो 10 रुपए में मेरे को दिया है। अब ये किसके लिए है आप लोग अंदाज लगा सकते हैं कि रीपा जैसी योजना से शराब पीने वालों के लिए भूपेश बघेल सरकार क्या सुविधा दे रही है। रायपुर से बीजेपी सांसद सुनील सोनी ने चुनाव अधिकारी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि लोग मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए भटक रहे हैं। फॉर्म 6 और 7 निःशुल्क देना है लेकिन वो उपलब्ध नहीं है। मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए लोग हताश और निराश हैं। उन्होंने कहा कि 31 अगस्त तक नाम जुड़वाने का अंतिम दिन है लेकिन नाम जुड़वाने में अधिकारी मदद नहीं कर रहे। कुछ कांग्रेस के लोगों ने बड़ी तादाद के अंदर में अपने अपने विधानसभाओं में फर्जी नाम जुड़वाए, जिसके प्रमाण भी हमने पिछले दिनों दिए, लेकिन जितने हमने प्रमाण दिए थे उतने नाम कटे नहीं है। तो ये जो सरकार की जो शिथिलता है और चुनाव आयोग के पास में पर्याप्त पैसा है और खासकर सरकार भी अगर चाहती है छत्तीसगढ़ के अंदर में निष्पक्ष चुनाव हो तो अपनी योजनाओं के आप विज्ञापन देते हैं, करोड़ों अरबों रुपए खर्च करते हैं, लेकिन एक व्यक्ति को मत का अधिकार मिले उसके लिए विज्ञापन देने के लिए सरकार के पास में पैसा नहीं है। वॉल राइटिंग के लिए सरकार के पास में पैसा नहीं है। जनहित में जन जागरण के लिए सरकार के पास में पैसा नहीं है, क्योंकि सरकार जो है वो फर्जी मत के आधार पे अपने आप को जिताने का सफल प्रयास कर रही है। अभी विधानसभा के चुनाव शुरू नहीं हुई है और भाजपा के नेता हार की जिम्मेदारी लेने से बचने के लिए बहाना बनाना शुरू कर दी है। सांसद सुनील सोनी को बताना चाहिए कि उन्होंने 4 साल में कितने नए नाम जुड़वाए हैं, कितने नामों को हटवाए हैं और जहां आपत्ति थी क्या उनमें आपत्ति दर्ज कराए थे। असल मायने में विधानसभा के आम चुनाव में भाजपा की करारी हार अभी से भाजपा नेताओं को दिख रही है। आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कोमल हुपेंडी ने कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा। कोमल हुपेंडी ने कहा कि कांग्रेस ने 36 वादों के घोषणा पत्र पर अमल कहीं नहीं किया। प्रदेश में सरकार भ्रष्टाचार में डूबी है। आम आदमी पार्टी के बयान पर कांग्रेस ने पलटवार किया है। कांग्रेस पार्टी को भी बड़े उम्मीद के साथ प्रदेश की जनता ने जनादेश दिया था, लेकिन सरकार में आने के बाद 36 जो वादे किए थे कोई भी ऐसा वादा धरातल पे दिखता नहीं है। आम लोगों को इसका फायदा मिल रहा हो ऐसा दिखता नहीं है और इसलिए प्रदेश की जनता की निगाह अरविंद केजरीवाल जी की तरफ थी। बड़ी उम्मीद के साथ जनता इंतजार कर रही थी कि अरविंद केजरीवाल जी आएंगे, क्या क्या घोषणाएं करेंगे और निश्चित रूप से जो 9 गारंटी पत्र माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने दी है प्रदेश की जनता के जो है उनको विश्वास जगा है, भरोसा जगा है कि हाँ छत्तीसगढ़ में अब बदलाव हो सकता है। उन्होंने शिक्षा के लिए उन्हें बेहतर जो घोषणा किया है, जैसा कि आपने देखा होगा कि शिक्षा के क्षेत्र में भी कहीं तो एक किसी स्कूल में एक ही शिक्षक है उसको भी कहीं और ड्यूटी लगाई गई है। सूत न कपास जुलाहे में लट्ठम लट्ठा, आम आदमी पार्टी का एक पार्षद भी छत्तीसगढ़ में नहीं, संगठन नहीं और बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, जिनके आधा दर्जन से अधिक मंत्री जेल की सलाखों में हों, जो दिल्ली की जनता पंजाब की जनता से किए गए वादों को पूरा न कर सके,
वो छत्तीसगढ़ में वादों की बात कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में गांव गरीब किसान सरभारा वर्ग की सरकार है और जो वादे वो कर रहे हैं उन वादों के साथ भूपेश बघेल जी की सरकार इस प्रदेश में जनता की सेवा कर रही है। इनके इस प्रकार के वादों से कोई फर्क छत्तीसगढ़ में पड़ने वाला नहीं है। मुंगेली में बीजेपी घोषणा पत्र समिति के अध्यक्ष सांसद विजय बघेल ने लोरमी का दौरा किया, आम जनता और बीजेपी कार्यकर्ताओं से सुझाव लिया। बीजेपी के घोषणा पत्र के लिए हाट बाजार और सार्वजनिक स्थलों पर सुझाव लिया गया। सांसद और पाटन से प्रत्याशी विजय बघेल ने कहा कि मुख्यमंत्री को हराने की बड़ी जिम्मेदारी मिली है और जनता की ताकत पर पूरा भरोसा है। ठीक है, प्रत्याशी होता है उसके बारे में चर्चाएं होती है और मुझे तो बड़ा लक्ष्य दिया गया है मुख्यमंत्री को हराने का। वहाँ की जनता, वहाँ के हमारे करवट कार्यकर्ता पाटन के, उनके ऊपर पूरा विश्वास है। इस धोखा देने वाला, फरेब करने वाला और भ्रष्टाचार में डुबोने वाला, कानून व्यवस्था बिगाड़ने वाला मुख्यमंत्री को निश्चित रूप से हम उनकी ताकत के अनुसार, उनके हिम्मत से हम हराएंगे। कांकेर से बड़ी खबर है, कृषि विभाग में पदस्थ अधिकारी ने वीआरएस लिया है। अधिकारी सरजू सोरी ने वीआरएस लिया, विधानसभा चुनाव लड़ने की इच्छा जताई है, कांग्रेस में शामिल होकर चुनाव लड़ने की तैयारी है, कांग्रेस पार्टी की सदस्यता भी ली है। मेरी पत्नी श्रीमती मिथिलेश सोरी विगत 15 सालों से राजनीति में सक्रिय हैं, जिला पंचायत सदस्य हैं और उनके कार्यों का लाभ मुझे मिलेगा। साथ ही मैंने किसानों के बीच में कांकेर विधानसभा क्षेत्र में लगभग 18 वर्ष तक किसानों की सेवा किया है, किसानों की उन्नति के लिए मैंने प्रयास किया है और साथ ही इसी क्षेत्र का मैं स्थानीय निवासी हूं और मुझे जनता के प्यार मैया दुलार पर बहुत भरोसा है कि वो मुझे जो मैं चाह रहा हूँ उस स्थान पर पहुँचाने में मेरी मदद करेंगे। धमतरी के सिहावा विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी प्रत्याशी घोषित होते ही यहां राजनीतिक रंग चढ़ने लगा है। बीजेपी के घोषित प्रत्याशी श्रवण मरकाम ने कुकरेल में अपने समर्थकों के साथ अनोखा प्रदर्शन किया। उन्होंने साल 2018 के कांग्रेस के चुनावी घोषणा पत्र की अंत्येष्टि की और विरोध जताने के लिए अस्थि विसर्जन और मुंडन संस्कार भी करवाया। इस मौके पर बीजेपी नेताओं ने प्रदेश सरकार पर पिछले घोषणा पत्र के एक भी वादे पूरा नहीं करने का आरोप लगाया। और इसी के साथ ही खबर दिनभर के बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना है।